लगातार पढ़ाई चले, मजा आता है। बच्चों कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर न्यूमेरिकल। अब चाहे 1% टूटे, चाहे 90% टूटे, चाहे 100% टूटे, सब आई निकालना सीख जाओगे आप। यहाँ से लेके कोई भी लेवल तक का क्वेश्चन आ जाए, 1% जुड़े, 100% जुड़े, 75% जुड़े, 80% जुड़े, सब आई निकालना है यहाँ से। इसके पहले जो कुछ लिखा उस वहाँ से कहीं से आई निकलता ही नहीं है, वो तो थियोरेटिकल पोर्शन वाला पार्ट है। अब आई निकालना, लेकिन बच्चों अब आपको थोड़ी सी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। दो फॉर्मूले बिल्कुल टंग पे याद करने पड़ेंगे, उनके बिना आप आई नहीं निकाल पाओगे। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई फॉर न्यूमेरिकल, तो आई डिसोसिएशन के लिए कब निकाला जाएगा वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और आई एसोसिएशन के लिए कैसे निकाला जाता है वो फॉर्मूला। हालांकि हम इवन बोल दें 100% न्यूमेरिकल जब भी आता है तो डिसोसिएशन के केस से आता है, एसोसिएशन के केस से नहीं आता। लेकिन एसोसिएशन के केस से आ जाए तो वो भी। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ आई फॉर न्यूमेरिकल, तो इसमें जो पहला हम आपको फॉर्मूला सिखा रहे हैं फॉर डिसोसिएशन। अब कोई भी डिसोसिएशन का केस आ जाए, 1%, 1000%, 100%, परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पर, परसेंटेज तो 100 ही होगा ना। फॉर डिसोसिएशन, बच्चों डिसोसिएशन के लिए आई ऐसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला बच्चों याद करना है। आई इक्वल 1+(n-1α) ऐसे निकाला जाता है। सबके सब आई, जितने भी डिसोसिएशन के केस है सबका आई इससे निकलेगा। अब यहाँ एन क्या है, अल्फा क्या है, वो थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। अल्फा सीधा है, यहाँ पर कोई चीज़ कितनी टूटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दो इसे, DOD। बी देखिए, वे समझ लो आई निकल गया। बी देखिए फॉर एसोसिएशन, फॉर बच्चों फॉर्मूला बिल्कुल याद हो गया, 1+(n-1α) फॉर एसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन के लिए आई निकालना है तो कैसे बच्चों, वैसे एक के साथ एक फ्री, इस फॉर्मूले के साथ एसोसिएशन का फॉर्मूला फ्री है, बस एन की जगह 1/n कर दो तो एसोसिएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आई इक्वल 1+(1/n-1) और अल्फा, तो एक के साथ बच्चों एक फ्री। अब यहाँ पर एसोसिएशन का केस है तो ये अल्फा यहाँ है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब इनको यूज करना सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो पहले डिसोसिएशन के सब केस देख लेते हैं अपन, फिर एसोसिएशन के सब केस देख लेते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको मेहनत करके याद करने हैं, 1+(n-1α) और ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। किसी भी लेवल का आई हो, चाहे बोर्ड लेवल का या टप से टप एग्जाम का आई, इससे निकल आएगा डिसोसिएशन का और इससे एसोसिएशन का, ठीक है। तो हम डिसोसिएशन के सब केस देखते हैं। मान लो आपके एग्जाम में 70% डिसोसिएशन आ गया तो आई कितनी आएगी, 100% आ गया तो आई कितनी आएगी, 1% आ गया तो आई कितनी आएगी, ठीक है। तो पहला केस करते हैं हम सॉल्व, फॉर डिसोसिएशन। बच्चों पहली चीज़ सीख लो आप, अब सबसे पहले फॉर डिसोसिएशन के लिए जो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, जो अल्फा है ए, ये हमेशा आपको परसेंटेज में दी जाएगी। जैसे कि बोल देंगे 70%, 80%, 100%, तो इसको आपको हमेशा एक इंटीजर नंबर में लेके आना है। परसेंटेज को नंबर में बदलना है तो किससे डिवाइड कर दो, 100 से। तो अगर आपको अल्फा 100% दिया गया है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1, 100 से डिवाइड कर,
तो हमेशा आपको एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू में इसको लेके आना है, आपको फ्रैक्शनल भी आ सकती है। मान लो आपको अल्फा दिया गया 80%, परसेंटेज की वैल्यू कभी नहीं रखनी है फॉर्मूले में, तो बताओ इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी जो आपकी वो क्या आ जाएगी 0.8, 100 से डिवाइड कर दें। तो हमेशा परसेंटेज को सबसे पहले आपको एक प्रॉपर नंबर में या फ्रैक्शनल नंबर में लेके जाना, पहले इसको लिखो, ये ध्यान रखना है आपको। ये है अल्फा जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, कितना टूटा, उसने कहा 100% टूटा तो आपको अल्फा की वैल्यू 1 रखनी है, उसने कहा 80% टूटा तो अल्फा की वैल्यू 80 ना रख देना, सब खत्म हो जाएगा 0.8। हमेशा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू रखनी है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर अब यहाँ पर जो n है वो क्या है, n होगा इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। डिसोसिएशन के केस में n इक्वल होगा नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसमें हम पहला केस ले रहे हैं, फॉर कंप्लीट अगर लिखा आ जाए इसका मतलब है 100% डिसोसिएशन, और कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन, तब आई की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन तब आई की वैल्यू कितनी आएगी। तो डिसोसिएशन के केस में हमें आई का फॉर्मूला लगाना है, अब यहाँ पर लगाएंगे, ये चीज़ें आपको दी रहेंगी तो ये आपको रख दिए फॉर्मूले में, अल्फा परसेंटेज में दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना। अब ध्यान रखिए, कभी भी अगर एग्जाम में आपको बताया नहीं गया कितना टूटा है, 70% टूटा कि 80% टूटा, लेकिन ये लिखा है कि टूटा है, तो उसका मतलब वो कितना टूटा है, 100% टूटा है। तो फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन देख लेते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए तो बताओ, कंप्लीट डिसोसिएशन तो अल्फा कितना है 100%, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1, अल्फा की वैल्यू 1। अब आई का फॉर्मूला देखते हैं हम, आई इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ठीक है। देखो 1 प्लस एन माइनस 1 और अल्फा कितना है 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आई इक्वल कितना आ गया एन, और एन ही तो हमारे क्या है नंबर ऑफ आयंस। मतलब अगर कोई चीज़ पूरी पूरी टूटी है तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले लिख लो आराम से फिर समझाते हैं, थोड़ा नीचे लिख दिया बच्चों, एडजस्ट करके लिख लो ना, इस बार हम बोल देते हैं ना, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब अल्फा 100% है, अल्फा ही तो होता है डिसोसिएशन, टूटा पूरा 100% है, एक वैल्यू आएगी परसेंट। फॉर्मूला होता है आई 1 प्लस एन माइनस 1, अल्फा की वैल्यू 1 रख दो, 1 से मल्टीप्लाई करो वही हो जाएगा, प्लस की 1 माइनस की, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, आई इक्वल एन। तो अगर आपको कंप्लीट डिसोसिएशन दिया जाए तो आपको फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आई किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगा, फॉर्मूला सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई आई इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। अब तो सीधे याद रखो कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा आ गया तो आपको सीधे आयंस देखने हैं कितने हैं, एग्जाम्पल 100% डिसोसिएशन का केस लिख रहे हैं, NaCl है ना 100% डिसोसिएट, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बताओ आई कितना है, आंसर जल्दी, आई कितना आएगा 2। समझ में आया कैसे, कितने आयन बने, एक और एक 2, तो एन की जगह नंबर ऑफ आयंस की तो रखने तो 2, तो आई की वैल्यू 2। आई इक्वल एन, एन इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, तो आई इक्वल 2। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए करवाया हमने।
अगर 100% डिसोसिएशन लिखा हुआ है तो आपको तो बस ये देखना है कि वो कितने आयन, अरे भैया पूरा टूट रहा है तो जितने आयन बनाएंगे उतनी तो आई होगी, इसमें क्या करना है। अगर 100% डिसोसिएशन लिखा है तो आपको कोई फॉर्मूला और मिला कुछ नहीं, आई इक्वल एन वन प्लस एन माइनस वन अल्फा कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे आयन। लेकिन अगर 70% टूटा 80% टूटा तब यहाँ 70 की जगह 0.7 80 की जगह 0.8 तब सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो उसको देखेंगे ठीक है। चलो तो अब कुछ हम देते हैं वो निकाल के दिखाओ आप लोग, ये 100% का केस चल रहा है बच्चों ध्यान रखिएगा। चलो तो हम कुछ फॉर्मूले आपके सामने लिखते हैं, इनको करके दिखाओ। CaCl2 देखिए, CaCl2 जब टूटेगा तो Ca+2 बनेगा और 2Cl नेगेटिव आयन बनेंगे ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया आपका ठीक है, बताना आई कितनी है। नेक्स्ट देखो AlF3 जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलो बच्चों। AlF3 जब ये टूटेगा देगा Al+3 + 3F-, ये 100% डिसोसिएशन का केस चल रहा है। अगला देखो बच्चों Al2SO4 3, जब ये टूटेगा तो देगा 2Al+3 प्लस देगा 3SO4-2 3SO4-2। चलो अभी और देते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ यहाँ आई कितना, क्लियर ना, 1 और 2 3 सीधे आई। 100% लिखा होना चाहिए पर कंप्लीट डिसोसिएशन। यहाँ आई कितना, क्लियर दिख रहा है, 1 ऐसे ना जोड़ लेना कोई ये वाला 3, यहाँ वो तो चार्ज है उस पर, नंबर तो यहाँ से देखे जाते ना, 1 और 3 4 चार। इसमें देख लें 2 और 3 5 बहुत बढ़िया, इतने कर लो फिर और देते हैं एग्जांपल। ये तो 100% का है। तो 100% डिसोसिएशन हो जाए तो जितने आयंस बने उतने ही लिख देना है। चलो कुछ थोड़े से क्रिटिकल देते हैं ठीक है, और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देते हैं। जैसे ये लिखा हमने K4FeCN6, अब जिसको इसको तोड़ना नहीं आता वो तो पूरे 3 घंटे भी बैठा रहे तो भी आई ना निकाल पाएगा K4FeCN6। करो कोशिश फिर तो हम बताते हैं कितना होगा इसका आई। एक और Na2CO3.10H2, इसका आई बताओ थोड़ा सा। चलो बच्चों कोई दिक्कत, इसका आई 5 है, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो ये टूटता कैसे है, ये टूटता है 4K+, 4K+, ये 4K+ निकल गया और ये पूरा साथ में आएगा। देखिए 4K+ और ये टूटेगा तो ये बनेगा FeCN6, क्योंकि इससे 4K+ निकल गए इसलिए इस पर चार्ज आ जाएगा 4-। ऐसे टूटता है, इसकी थोड़ी सी झलक हमने SPM में देखी थी इस फॉर्मूला को, K4FeCN6। तो 4K+ और बाकी ये पूरा एक रहता है, 4K+ और ये बाकी पूरा साथ में रहेगा, FeCN6 4-। बता दो आई कितना, 5। चार्ज ना देखना बच्चे, चार्ज देख लेते हैं कई बार गलत हो जाता है, फिर चार्ज नहीं नंबर देखने, इसका नंबर 4 इसका नंबर 1। अब बच्चों इस पे सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान होता है वाटर, वाटर थोड़ी टूटेगा, वाटर तो हवा बन के गया उड़ गया, वाटर को तो छोड़ो आपको सिर्फ मेन फॉर्मूला देखना है। तो देखिए टूटेगा तो 2Na+CO3-2, वाटर तो हवा बन के उड़ गया, वाटर आई कितना आएगा। चलिए बच्चों ये तो 100% का केस आ गया, अब देखते हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का, है ना।
इनकम्प्लीट में वैसे आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है। लिखिए अब इस वाले के लिए बच्चों आपको फॉर्मूले पे ही वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 100% में तो आयन सीधे देख लो और कुछ नहीं, लेकिन इस वाले में बच्चों आपको अब पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बी नंबर है फॉर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है ना, मतलब अब अल्फा 100% नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, चलिए पहला हमारा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं NaCl डिसोसिएटेड 80% आई निकालना है, डिटरमाइन आई। चलो इसको करके दिखाओ बच्चों, अगर ये 100% टूटता तो इसका उत्तर पता था 2, तुरंत सीधे सीधे दो आयन बनाएगा 2, लेकिन अब तो 100% टूट ही नहीं रहा, 80% टूट रहा है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, आई इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ठीक है। चलो एक एक चीज़ देखते हैं, 1 का 1 प्लस एन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस, तो NaCl कितने आयंस देगा, NaCl 2 आयन देगा है ना, Na पॉजिटिव Cl। अगर ये 100% हो जाता तो ये आई एन के इक्वल हो जाता, मतलब आंसर यही हो जाता 2। अगर ये 100% हो जाता मतलब 1 हो जाता, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, तो आई एन के इक्वल आ जाता मतलब 2 ही आ जाता, लेकिन ये 100% तो टूटा नहीं है। देखते हैं फिर, तो 1 एन की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस 2 माइनस 1 अल्फा, अल्फा हमेशा रखना है उसके फ्रैक्शनल या एक्चुअल नंबर में, तो 80% मतलब कितना 0.8, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 2 माइनस 1 और यहाँ से आपका 0.8 का 1 में करोगे 0.8 ही आ जाएगा, 1 प्लस पॉइंट दैट इज इक्वल टू 1.8। देखो अगर ये पूरा टूट जाता तो आई आ जाता 2, लेकिन पूरे से थोड़ा कम टूटा ना, तो आई 2 से कितना आया कम 1.8। जी ऐसे निकालना है बच्चों, ऐसे यहाँ निकलता है आई डिसोसिएशन, एक दो और कर लो बच्चों, फिर एसोसिएशन कल करेंगे, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं जिनको समझ में नहीं आया हो, 100% टूटता तो ये 1 हो जाता, तो मल्टीप्लाई करते तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आई एन के इक्वल आ जाता मतलब 2, लेकिन 100% नहीं टूटा 80% टूटा, तो फिर यहाँ 0.8 रखा, ठीक है। चलो अब हम थोड़े से आपको देते हैं, वो करके दिखाओ सब लोग, डिसोसिएशन वाले, डिसोसिएशन के बच्चों सब केस ख़त्म, सेकंड था, इसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए डिसोसिएशन, चाहे कोई भी आई कहीं भी निकालने के लिए कह दिया जाए आपसे, समझ लीजिए आई निकालते आ गए। तो हमारे बच्चों आपके लिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है K4FeCN whole 6 ये डिसोसिएट होता है आपका 70% डिसोसिएटेड, ये जो डिसोसिएटेड होता है आपका ये होता है 70%, मतलब जो इसमें अल्फा दिया गया है वो 70% दिया गया है, ठीक है। आई निकाल के दिखाओ जल्दी से सब लोग, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सोम आपके में कि इसका आई बताओ, सीबीएसई बोर्ड वालों में,
4.2 आ रहा, कितना आ रहा, 3.2 आ रहा, 3.8 आ रहा। अभी हमने ऐसे कैलकुलेट नहीं, ऐसे पूछा रहे। प्रथा नहीं आया समझ में ना, आ गया पक्का? चलो पूछ लेना खुल के। अगर आप सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उठ के पढ़ने आ रहे हो और उसके बाद भी अगर नहीं पूछ रहे हो तो फिर आपकी गलती है। चलो देख लेते हैं, 1 + n - 1 अल्फा। अभी अभी बताया ये टूटता है तो कितने आयन देता है, 5 है ना, ये ध्यान रखना। 1 + 5 - 1 70%, दैट इज 0.7 हो गया। 1 + 5 - 1 = 4 0.7 कितना हो गया, 2.8। तो 1 + 4 का मल्टीप्लाई 7 है, तो 4 × 7 = 28, डेसिमल का 2.8, 2.8 दैट इज इक्वल टू। ये तो बच्चों गजब हो गए, आप लोग आई निकालना सीख गए। डिसोसिएशन के सब केस ख़त्म। अब एसोसिएशन का बताएं जो कल करेंगे, लेकिन एक और डिसोसिएशन का कर लो। तो कल तो तुम लास्ट तो कह रहे तुम 7:10 पे, सॉरी 7:40 पे स्कूल चलो, 7:45 पे बंद हो गया। एक प्रेस कर लो फिर चलिए। नेक्स्ट एग्जांपल है बी एफ थ्री 50% डिसोसिएटेड। इसके लिए आई निकाल के दिखाइए। जैसे AlCl3 टूटता है, जैसे AlF3 टूटता है, वैसे ही BF3 टूटता है। AlCl3 का कराया हमने, AlF3 का सेम कॉपी पेस्ट है BF3। सोम तुम चले जाओ, इसको को लिख फिर लो। H2SO4 50% डिसोसिएटेड, ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। आई निकाल के दिखाओ, कल एसोसिएशन का करेंगे, डिसोसिएशन खत्म। निकल जाओ, कैमरा पीछे लगा के चले जाओ। चलो तुम निकलो, हम बैठ देते हैं। और बेचारे बच्चा छोटे छोटे इतना बोल रहे हैं। निकल जाओ, हटा लो हटा लो, अब सेट कर दो। ये वाला सॉम करके लाना घर से। अंकित तुम्हारा हो गया तो तुम भी जाओ, हो गया ये वाला। चलो हम जल्दी से कर देते हैं। तो BF3 जब टूटेगा आपका, तो बिल्कुल वैसे ही टूटा जैसे AlF, बोरोन एल्यूमिनियम एक ही फैमिली के हैं ना। तो B+3 + 3F - 1 है ना, I इक्वल 1 + n - 1 अल्फा। ठीक है, चलो देखो 1 + n - 1 n कितना है, 1 और 3 4, 4 - 1 मतलब 3 आ जाएगा ना, 4 - 1। और अल्फा कितना है, 0.5 हो गया। तो 1 + 4 - 1 मतलब कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो 5 × 3 = 15। 1.5 + 1 कितना, 2.5। ए आ गया यहाँ आई। ये वाला बन गया शिक्षा।
नहीं हाँ ये वाला हुआ, हो गया नहीं हुआ, कितने में टूटेगा ये नहीं पता, तीन तीन मान टू एच पॉजिटिव एक एस ओ फोर माइनस टू, ठीक है भाई स्कूल वाले बच्चे जाओ। हाँ होमवर्क यही वांट ऑफ फैक्टर याद करना है, चलो हम भेज देंगे, अब तो पूरे ही चैप्टर याद करना है ख़त्म है, कल हिंदी लो खत्म कर देंगे, ख़त्म हो गया एसोसिएशन का पाँच मिनट का है स्कूल वाले बच्चे। हाँ पूरा ही चैप्टर पढ़ना है बच्चों, अब तो जो बच्चे नए हैं वो उतना ही याद करें जितना लिखा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर थ्योरी वाला पूरा बनना चाहिए, हटा दो कैमरा अंकित हटा दो, नहीं हाँ ये वाला घर से करके लाओ, ठीक है इसकी तीन आएगी वैल्यू, देखो ऐसे टूटता है H2SO4 जब टूटता है ये देता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस टू, चलो ठीक हो जाता, चलो उसमें अपनी भी गलती है हटा ही लेना चाहिए, ठीक कोई बात नहीं निकल, सानिया ये आ गया करो फिर, क्या 21 क्या है प्रांजल, जीना सिंसियर नहीं हो रही ना पढ़ाई में बता रहे हैं, सानिया आई निकाल के दिखाओ जल्दी, अनामिका आई आ गया, अरे अभी भी कर रहे हो मतलब अभी समझ में नहीं आया, कुल मिला के सीधी सी बात है अगर नहीं आ रहा मतलब समझ में नहीं आया, हाँ अब हमें नहीं पता, स्वामी आ गया आ गया मतलब समझ में, हर्ष आ गया, सत्यम आ गया विजेता आ गया, प्रथा नहीं आया, आ गया अनामिका नहीं आया, आ तो गया लेकिन समझ में नहीं आया, सारा नहीं आया ना समझे, सही में 70% होता तो भी कर लेते, नहीं आया ना आएगा, आ गया अच्छा देख लेते हैं हम, 1 + n - 1 आप देखो अनामिका थोड़ा ये फॉर्मूला याद हो गया, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आना चाहिए अनामिका तभी काम बनेगा, n हमेशा वो होगा जितने आयंस बनते हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए जितने हमने लिखवा दिए उतने तो सीख लो, उन्हीं में से सब हो जाता है, H2SO4 जब टूटेगा तो वो देता है 2H पॉजिटिव और एक SO4 माइनस टू, तो इसके आयंस के नंबर कितने हैं 2 और 1 3, तो N की वैल्यू 3 - 1, अल्फा हमेशा आपको उसकी परसेंटेज को हटा के वाली वैल्यू लिखनी है, तो 50% मतलब 100 से परसेंटेज जब भी हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे, ध्यान रखिएगा जब भी परसेंटेज हटाओगे तो 50 / 100 जीरो से जीरो कैंसिल 5/10 मतलब 0.5 तो 0.5 यहाँ पर रख दिया जी वैल्यू रख, अब यहाँ तक केमिस्ट्री थी इसके बाद मैथ है, 1 + 3 - 1 = 2 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1 5 × 2 = 10 1 डेसिमल का, तो ये आ गया आपका 1 + 1.0 दैट इज कितना 2 या 2.0 आई। अनामिका आप एक करके दिखाओ सिर्फ अनामिका बेस और अनामिका और प्रथा करके दिखाएंगे और कोई नहीं, CaCl2 70% डिसोसिएटेड 70%, ठीक है तो इसमें से आपको निकालना है आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर, चलो बाकी लोग जल्दी से वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर याद करो कि छुट्टी है, सिर्फ अनामिका और प्रस्था निकालेंगे, CaCl2 कैसे टूटता है नहीं पता तो हम लिख देते हैं, ठीक है ऐसे टूटता है, सानिया आप भी निकालो, पिछला आ गया सानिया